वो परा प्रकट में अंतर्मुखी हो जाता है। इसलिए जो ईश्वर की इच्छा वो तत्वज्ञानी की इच्छा, जो तत्वज्ञानी की इच्छा वो ईश्वर की इच्छा, अर्थात दोनों एक दूसरे में समाये हुए हैं। अर्थात जो तत्वज्ञानी जो कह दे इसीलिए हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं जो कह दूँ मैं मजाक भी कर देता हूँ। सामान्य अवस्था में वो भिन्न भिन्न तरह की बातें करता, हाँ अध्यात्म में जो कह दिया तो शायद पूरा हो जाता जो मैंने जाना। तो कह अच्छा, जब त्यागता है तो योगाग्नि के द्वारा सूक्ष्म शरीर नष्ट हो गया। सूक्ष्म शरीर में ही संस्कार विद्यमान हो जाते हैं। जब संस्कार जहाँ विद्यमान होते हैं वही चीज़ नष्ट हो गई, चला गया, जन्म लेने का कोई कारण नहीं रह गया, वो जगह ही नष्ट हो पहले से ही हो जाती है। चित्त की भूमि नष्ट हो जाती है जिसमें संस्कार स्थिर होते, चली गई और मतलब उसका स्वरूप चला गया पराप्रकृत में, फिर कभी वापस नहीं आता है। फिर वहाँ पर अनंत समय तक अपने ढंग की साधना करता हुआ कब तक बना रहता है, ये हमारा अभी अल्प ज्ञान है उसके सामने। हाँ, वहाँ पर दो तरह के साधक होते हैं, एक भक्त एक योगी। योगी ऐक्य भाव में चुपचाप अकेला बैठा रहता, भक्त सगुण ब्रह्म की याद में बना रहता। आप ज़्यादा उस पर ना बोलें, पराप्रकट की बात है। वहाँ गुण साम्यावस्था में रहते हैं, वहाँ पर विकार उत्पन्न नहीं होता वगैरह वगैरह। ये तो हो गई तत्वज्ञानी की, यानी पूरी तरह से पावरफुल होता है। अब आ जाओ अवतार। अवतार एक शब्द, ऐसा योगी कभी वापस नहीं आता है। अब फिर आ जाओ जिन तत्वज्ञानियों के अंदर जीवों के कल्याण करने के लिए भावना बनी रही और शरीर त्याग दिया, ऐसे तत्वज्ञानी पराप्रकृत में अनंत काल तक रहते हैं। फिर पराशक्ति यानी अव्यक्त शक्ति वो प्रेरित करती है कि तुम्हें यानी जीवों को कल्याण करना था इसलिए अब आप भूलोक पे चले जाओ। अब वो जब तत्वज्ञानी, ऐसा तत्वज्ञानी जब पराप्रकृत में जाता है यानी ईश्वर के पास, ईश्वर के क्षेत्र में जाता है तो उसी के समान बन जाता है। तो एक शब्द आता है जीवेश्वर, भक्त के लिए नहीं आता है, इसके लिए जीवेश्वर एक उपाधि। जीव जीव भी नहीं रह गया, जीव जीव उसे कहते हैं जो अपराप्रकृत से संबंधित है यानी आसक्त है जीव। और वो ईश्वर भी नहीं है, ईश्वर की परिभाषा दूसरी है, जो पराप्रकृत से संबंधित है। अपरा भी नहीं, परा भी नहीं, तो कहने का मतलब जीवेश्वर। ऐसा जीवेश्वर पढ़ने को पता नहीं मिले मिले ना मिले, लेकिन मैंने जो अर्थ लगाया, जब वो भेजा जाता है तो ईश्वरीय दिव्य शक्तियों को लेकर यहाँ आ जाता है। तो अब इस विषय में फिर कभी उसे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। उसका जन्म भी विशेष तरह से होता है, उसे कुछ करने की सारी शक्तियों को लिए हुए ऐसा समझो ईश्वर का छोटा रूप ही आ गया है यहाँ पर, उसे अवतार कहते हैं। और यहाँ देखो तो पता नहीं खुद हमसे कह दिया अवतार वो है, अमुक अमुक क्या है गुरु उसका अवतार है। पता नहीं अब क्या बोलूं क्या ना बोलूं, हमसे ही कह दिया गया कि देखो ये पार्वती के अवतार हैं, देखो ये विश्वामित्र के अवतार हैं, देखो ये अंगिरा के अवतार हैं, हमसे कहा गया। मैं सुन लिया, चुप रहा हूँ। पहले अवतार की परिभाषा जाने, अवतार क्या होता। कृष्ण के बाद कोई अवतार नहीं आया, और कृष्ण की जरा बचपन से लेकर के यानी जब जन्म नहीं कहेंगे प्राकट्य, अवतार का जन्म नहीं होता है, जन्म में और प्राकट्य में फर्क है। बारीकी से हमारे शास्त्रों को देखें, पता नहीं आप लोग कितना समझ पाएंगे कभी वो जन्म, क्योंकि इस जन्म मृत्यु से परे हो चुका है, कोई भी उसे स्त्री जन्म दे भी नहीं सकती है, प्राकट्य होता है उसके अंदर है। तो कृष्ण भगवान कृष्ण को देख लो, हम उसी क्षेत्र में बैठे हुए हैं कि जब प्राकट्य हुआ और अंत तक उन्होंने क्या किया, ऐसे को अवतार कहते हैं। तो बात कुछ योग की हो रही थी, कहाँ तक चले गए, अब आ जाएं जीव।
पूरे वाक्य कर दे। दो तत्व हैं, चेतन और जड़। चेतन अर्थात निर्गुण ब्रह्म, जड़ अर्थात पराप्रकृति। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा कि हे अर्जुन, मेरी दो प्रकृतियां हैं, पराप्रकृत और अपराप्रकृत। बस इतना ही कहना चाहूँगा। तो पराप्रकृत से अपराप्रकृत का प्राकट्य हुआ, जैसा कि अब जिसमें हम सभी विद्यमान हैं। उस चेतन तत्व का, निर्गुण चेतन तत्व का जब पराप्रकृत से संपर्क हुआ तो उसे सगुण ब्रह्म कहा गया, जिसे नारायण और परम शिव कहते हैं। और अब पराप्रकृत में गुण साम्यावस्था में रहते हैं, उसमें किसी प्रकार का कोई हलचल नहीं होती है, यानी समान रूप से रहते हैं। शुरुआत में जो ये पराप्रकृति हैं यानी सत्वगुण हैं, वो विलक्षणता को प्राप्त होते हैं, यानी विशेषता को प्राप्त होते हैं। उसमें किसी प्रकार की क्रिया ना हो करके जैसा शुरुआत में होते हैं वो सदैव बने रहते हैं। अब आ जाए अपराप्रकृत। अब पराप्रकृत के छोटे से क्षेत्र में अपराप्रकृत का प्राकट होता है, जो हमारा अपना ब्रह्मांड है, जिसमें भगवान ब्रह्मा विष्णु शंकर जी रहते हैं। हम सभी 14 लोग हैं जिसमें जीवन जी रहे हैं, क्रियाएं हो रही हैं। ये अपराप्रकृत छोटी सी जगह में, जैसे भारतवर्ष को मान लें कि पराप्रकृति है, और अपना ये जो हॉल है बैठे हुए, ये अपराप्रकृति है। बैठे इतने में संरचना, इतने में ही सारे क्रियाकलाप हो रहे हैं। Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.